अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एवरीवन। अभी मैं एक ट्रक चेक करूँ, मान टीजीए 2007-8 मॉडल। ट्रक के ब्रेक में मसले, जो इसके बैक फोर व्हील है उनकी ब्रेक काम नहीं कर रही है। एबीएस मैंने डायग्नोस किए हुए, जाल डैश V9, देखते हैं इसमें फॉल कोड। कस्टमर की कंप्लेन है कि ट्रक के जो बैक व्हील है मशीन के, उनकी ब्रेक काम नहीं करती, प्रेशर कंट्रोल मॉड्यूल ऑफ व्हील 3 प्रेशर। ये सवाल का फॉल बता रहा है जी, ये फॉल कोड इसमें आ रहे हैं। इसका कंप्यूटर है हमारा, ये खराज है गुलमानशाह। इसमें फॉल कोड आ रहे हैं जी, प्रेशर कंट्रोल मॉड्यूल ऑफ V4 प्रेशर, इनलेट वाल्व एक्टिवेशन नॉट पल्सेबल, एरर नॉट स्पेसिफाइड। ओके, ये हाई प्रायोरिटी में इसके ये कोड है, जो रियर प्रेशर मॉड्यूल है। ओके अच्छा, ये भी हम करेंगे इसको रीसेट, देखते हैं कौन से कोड रहते हैं। ओके एंड हम अपना पासवर्ड डालेंगे इसमें, ये क्या किया, बंद हो गया, रिसीव करते हैं। अभी हम डायग्नोस करते हैं, शीशा भी चल ऊपर करो, डिस्प्ले कनेक्शन है जी, कनेक्ट करते हैं हम अगेन। ये हमारे रह गए हैं जी ब्रेक कैन सिग्नल, जो है मिसिंग है, ब्रेक कैन सिग्नल जो बता रहे हैं। हमने रीसेट किया, फॉल्ट तो चले गए, अभी देखते हैं ट्रक को चला के अगेन फॉल्ट आते हैं कि नहीं। किसी भी ट्रक में मसला हो, एबीएस कंट्रोल वाल या है इंजन कंट्रोल यूनिट में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा फ्रेंड्स, इसके कोड ABS के आ रहे थे इसमें, इस ABS वाल के। ओके, ये इसका बड़ा वाल है, इसके कोड आ रहे थे। अभी इसकी हम वायरिंग डायग्राम चेक करेंगे। इसकी 4 वायर होती हैं, सही है। दो वायर जो हैं कैन हाई और कैन लो की हैं, और इनमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। ओके, अभी हम चेक करेंगे कि इसमें कैन हाई कैन लो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये इसका जो मोटे वाला वायर है, ये इसका पॉजिटिव है, दो कैन आई कैन लो पर। ये इसकी जो 3 और 4 नंबर वायर है, ये इसकी कैन आई और कैन लो के। इधर देखते हैं जी, ये 3 और 4 जो हैं इधर लिखे हुए ग्रिप पे, इनमें कैन आई और कैन लो नहीं आ रहा, इसलिए इस ट्रक का ये मसला है। ठीक है, अभी हम इसका चेक करेंगे कैन आई कैन लो किधर से मसला आ रहा है। इसकी कैन आई कैन लो में कुछ ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, कहीं से इसकी वायरिंग गड़बड़ है। ठीक है, अभी चेक करते हैं जी इसका किधर फॉल्ट है। ब्रेक दबाओ, दबाओ, छोड़ो। दबाओ ब्रेक, सही। जिसका ये ब्रेक वाला कंप्यूटर ख़राब था जी, हमने चेंज किया फाइनली, दूसरा कंप्यूटर लगाया। ABS कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, अभी हम इस कंप्यूटर को करेंगे रिपेयर या दूसरा लगाएंगे। ओके, ABS कंप्यूटर गाड़ी में लगाया, हमारे कैन की जो वोल्टेज की प्रॉब्लम थी वो भी ओके हो गई है, और हमारी गाड़ी का ब्रेक ओके हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, एंड मेरी वीडियो को ऑल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लम्हे इजाफ़ हो। ये इसका FFR है। ओके, गियर को कंट्रोल करता है, मोबिलाइजर सिस्टम को, फैन सिस्टम को, एक्सेलरेशन को, ब्रेक कंट्रोलर है। ओके, ZBR लाइट वगैरह कंट्रोल करता है। ओके, ये ऑल फ्यूज़ बॉक्स है, ये ZBR भी है, यानी ये फ्यूज़ बॉक्स के रिलेटेड है। ZBR बॉडी कंट्रोलर है, ऑल लाइट्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें 2-3 ही कंप्यूटर आते हैं इधर डैशबोर्ड के अंदर, और इसमें कंप्यूटर नहीं है। और एक इधर ये टैकोग्राफ है। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। किसी भी बाइक को ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए हो, ठीक है, मुझसे मिल सकती है। एंड हैवी ड्यूटी के रिलेटेड कोई भी टूल वगैरह चाहिए हो, मान के, वालों के, कैटरपिलर्स, कमेंस के, डायग्नोस्टिक टूल चाहिए हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।